ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाइजीरिया के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स में बताया था। नाइजीरिया का जो पॉपुलेशन 23 करोड़ के अबव जा रहा है और परचेसिंग पावर वहाँ का लोगों का धीरे धीरे बढ़ रहा है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स नाइजीरिया इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहता है और ग्लोबली क्या क्या एक्सपोर्ट करते इम्पोर्ट कर रहा है नाइजीरिया, उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया क्या क्या प्रोडक्ट्स नाइजीरिया वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया से इम्पोर्ट करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। तो आज का टॉपिक में मैं आपको नाइजीरिया के ऊपर बताऊंगा, नाइजीरिया से आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर डिटेल्स में बताऊँगा। मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने और एक वीडियो बनाया था बहुत तो एक साल पहले, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम नाइजीरिया, कैसे आपको नाइजीरिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं बनाया था। लेकिन टाइम टू टाइम काफ़ी सारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह चेंज होते रहता है, इसलिए इसको अपडेट करना ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक में ऑनलाइन में ऑफलाइन में कैसे आप नाइजीरिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। नाइजीरिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए पहले आपका वेबसाइट को रेडी करिए, और नाइजीरिया के लोगों को इंग्लिश आता है, इंग्लिश समझते हैं, तो आपका इंग्लिश वेबसाइट होना ज़रूरी है। इंग्लिश के साथ साथ जितने सारे गूगल में जितने सारे लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ऑप्शन है वो होना चाहिए। नाइजीरिया में आपका वेबसाइट को नाइजीरिया को टारगेट करके गूगल में गूगल सर्च गूगल एड में नाइजीरिया को टारगेट करके आप वेबसाइट को प्रमोट करिए, ताकि नाइजीरिया के जितने सारे इम्पोर्टर्स बायर्स मैन्युफैक्चरर्स गूगल में सर्च करेंगे कोई प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करने के लिए, तो उनको आपका वेबसाइट दिखाई देगा ऑनलाइन में नाइजीरिया का गूगल में, तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हो गया गूगल सर्च गूगल एड में नाइजीरिया को टारगेट करके आपका वेबसाइट को प्रमोट करिए, टारगेटेड टू नाइजीरिया, तो काफ़ी सारे इसमें आपको हेल्प मिलेगा नाइजीरिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। सेकंड में आपका सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मार्केटिंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपका आ गया फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन पिंटरेस्ट, ये सब साइट्स नाइजीरिया में ज़्यादा चलते हैं। टॉप में आता है फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम में इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट करके नाइजीरिया को टारगेट करिए। ऑल्सो और एक अच्छा रहेगा आपका लिंक्डइन, लिंक्डइन में भी आप एडवर्टाइजमेंट करके नाइजीरिया को टारगेट करिए। तो नाइजीरिया को टारगेट करके पेड एडवर्टाइजमेंट करोगे तो फेसबुक लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में नाइजीरिया को टारगेट करोगे तो आपको नाइजीरिया से काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा नाइजीरिया में। जो और नाइजीरिया में बहुत सारे B2B ट्रेड पोर्टल से क्लासिफाइड वेबसाइट से येलो पेजेस से वो साइट्स में आपको रजिस्टर करके आपका वेबसाइट को ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स ऐड करना है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके नाइजीरिया का जितने सारे इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स हो गया, येलो पेजेस हो गया, देन नाइजीरिया का बिजनेस लिस्टिंग साइट्स हो गया, जो इम्पोर्टेंट साइट्स है मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये साइट्स को आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। आगे क्या करना है मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ।
डिटेल्स में आपको दिखा दिया, नाइजीरिया का इम्पोर्टेंट वेबसाइट दिखा दिया आपको। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन वेबसाइट को आपका कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन करना है। टॉप राइट कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्टर का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्री में और लिस्टिंग में आपको ओपन करके फॉर्म फिलअप करना है। आपका नेम एंड आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट ईमेल आईडी ऐड करना है और आपका डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन में आपका कंपनी का डिटेल्स को ऐड करना है, क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो ऐड करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपका साइट नाइजीरिया का वेबसाइट में, नाइजीरिया का ट्रेड पोर्टल्स में रजिस्टर हो जाएगी। फिर नाइजीरिया का लोगों को दिखाई देगा, नाइजीरिया का जितने सारे इंपोर्टर्स बायर्स ट्रेडर्स इन्हीं साइट में आते हैं बाइंग सेलिंग करने के लिए, सर्च में उनको आपका वेबसाइट दिखाई देगा, आपका कंपनी डिटेल्स दिखाई देगा, फिर वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो जितने सारे साइट दिखा दिया नाइजीरिया का, इसमें आपको रजिस्टर करके आपका वेबसाइट को ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सबमिशन करने के बाद, एक्सेप्टेड होने के बाद बाय द नाइजीरियन वेबसाइट्स, आपको सर्च करना है नाइजीरियन कंपनीज, इन्हीं में सर्च करना है नाइजीरिया का कितने सारे कंपनीज है वो लिस्टेड है। तो आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कंपनी सर्च करके उनका वेबसाइट जाना है, उनका कॉन्टैक्ट पेज जाकर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड लेना है, ईमेल मार्केटिंग करना है और उनको व्हाट्सएप के द्वारा उनको कॉन्टैक्ट करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो आपको क्या करना है, जितने सारे आपको बता दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ये टॉप 5-6 वेबसाइट है, ये नाइजीरिया में ज़्यादा चलता है। तो इसको इन्हीं साइट में पेड मार्केटिंग करके नाइजीरिया को टारगेट करोगे तो नाइजीरिया से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाइजीरिया का इंपॉर्टेंट जितने सारे न्यूज़पेपर्स है, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल से, न्यूज़पेपर्स से मैं आपको लिस्ट करके बताऊँगा। तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर में कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज आपको बता दिया ऑनलाइन में कैसे आपको मिलेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम नाइजीरिया। और आपका अगर ऑफलाइन में करना है, नाइजीरिया का दो बड़े सिटी है, कैपिटल है लैगोस एंड अबुजा। लैगोस अबुजा में एक्सपो होता रहता है, तो आपका प्रोडक्ट के हिसाब से लैगोस अबुजा में आप जाकर खुद का जो प्रोडक्ट लेकर वहाँ का ट्रेड जो एक्सपो होता है, एक्सपो में भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए, तो वहाँ से काफ़ी सारे एक्सपोर्टर मिलेगा। ऑल्सो नाइजीरिया का नेबरिंग कंट्रीज घाना में, अक्रा में भी एक्सपो होता रहता है, केनिया में एक्सपो होता रहता है, दुबई में एक्सपो होता रहता है। तो दुबई, केनिया, घाना, अक्रा, सेनेगल, नाइजीरिया, ये जो एरियाज है वहाँ पर जितने सारे एक्सपो होता रहता है, तो वहाँ पर एक्सपो में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, भाग लोगे एक्टिवली, तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम नाइजीरिया। तो नाइजीरियन ट्रेडर्स जो होते हैं ज़्यादा करके दुबई भी आते हैं बाय करने के लिए, तो दुबई में भी आपको अगर पार्टिसिपेट करोगे इन द एक्सपो में, तो आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है नाइजीरिया से, ठीक है। तो दो हो गया, ऑफलाइन ऑनलाइन में नाइजीरिया में कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, और नाइजीरिया में वहाँ पर इंग्लिश समझते हैं। नाइजीरिया के बारे में बता दिया था, 200 इंडियन कंपनीज है, 50,000 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। अगर आप खुद जाकर आपका प्रोफाइल वगैरह लेकर नाइजीरिया में ट्रैवल करोगे और खुद वहाँ पर मार्केटिंग करोगे प्रोडक्ट सैंपल लेकर, तो आपको वहाँ से इजीली एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। और नाइजीरिया में खुद का मार्केटिंग ऑफिस आपको रखना है, खुद का कंपनी ओपन करके, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके खुद का मार्केटिंग ऑफिस रख के नाइजीरिया का लोगों को नौकरी दोगे तो वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग करके एक्सपोर्ट ऑर्डर लाएंगे, फिर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो नाइजीरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, नाइजीरिया में खुद का कंपनी ओपन करिए, खुद का वेयरहाउस रखिए, खुद का शोरूम शॉप दुकान वगैरह रखिए, फिर इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके खुद का वेयरहाउस में रखिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करिए ऑल ओवर द नाइजीरिया। ऑल ओवर नाइजीरिया में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, रिटेल में एंड होलसेल में सेल कर सकते हो, ये भी आप खुद कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड वगैरह पूरा आप एक ही साथ कर सकते हो अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी सारे कंपनीज ऐसे ही कर रहे हैं, तो मेरे पुराने वीडियोज़ में मैं ऐसे बताते आ रहा हूँ। तो नाइजीरिया में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, कंपनी का क्या कॉस्ट आएगा, क्या खर्चा आएगा, कंपनी फॉर्मेशन एंड ऑल द डिटेल्स मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसके ऊपर मैं और एक वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में नाइजीरिया के ऊपर। तो नाइजीरिया के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्स में बता दिया, आने वाले वीडियो में हम अमेरिका के ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग वीडियो लाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जानकारी के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।